वैलेंटाइन डे पर आईएएस आईपीएस ने सच्चे प्यार का इजहार किया और सरकारी ऑफिस में ब्याह रचा लिया। दोनों अफसरों की शादी चर्चा में आ गई। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले अफसर ने कल वैलेंटाइन डे के अवसर पर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। वैलेंटाइन डे पर शादी करके उन्होंने इस दिन को यादगार बना लिया। बता दें कि आईएएस तुषार सिंगला 2015 बैच के बंगाल कैडर के अफसर हैं और उन्होंने 2018 बैच की आईपीएस नवजोत सिम्मी से 14 फरवरी को शादी की है। दरअसल सिम्मी अभी एसीपी के तौर पर पटना में है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। खबरों के मुताबिक दोनों की मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद दोनों ने अपने रिश्तेदारों और करीबियों के सामने शादी की। तुषार फॉर्मल ड्रेस में सिमी के साथ काफ़ी हैंडसम नजर आ रहे थे, वहीं सिमी भी लाल साड़ी में काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। दरअसल इस शादी पर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि तुषार ने अपनी शादी की पूरी प्रक्रिया अपने ऑफिस में ही पूरी की और उन्होंने ऑफिस में ही शादी कर ली। राज्य मंत्री से बात की गई और सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, रजिस्ट्री के जरिए शादी करना भी एक कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। सरकारी दफ्तर में शादी हुई, दोनों लोगों ने पंजीकरण के दस्तावेजों पर सिग्नेचर किया है। इसके अलावा अरूप रॉय ने कहा कि सरकारी दफ्तर में किसी भोज का आयोजन नहीं किया गया था, इस स्थिति में विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे लगता है कि सरकारी कार्यालय में दो लोगों की शादी में कोई समस्या है, ये मेरे लिए कोई अपराध नहीं है, शायद वो ड्यूटी पर थे जिसकी वजह से उन्होंने कार्यालय में ये किया। इन दोनों ने शादी करने के लिए सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कोई उत्सव नहीं हुआ, इसलिए मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।